हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 3 दिवसीय महेंद्रगढ़ जिले का दौरा निश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री जिले में 24, 25 व 26 मई को विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम रखेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर आप पार्टी के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के जिले में आगमन को लेकर नारनौल जिला मुख्यालय पर किसी भी तरह का मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है, जो कि इस क्षेत्र की जनता के लिए पक्षपात माना जा रहा है। साथ ही आप पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्र मटरू ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नारनौल क्षेत्र में नहीं रखने का इस क्षेत्र के विकास की अनदेखी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिले में आ रहे हैं, इसको लेकर वे स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे। साथ ही उन्होंने आशंका भी जताई है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आप पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस या तो घरों में नजर बंद करेगी या फिर उन्हें गिरफ्तार करेगी। साथ ही रविंद्र मटरू ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री का जिले में जहां भी कार्यक्रम होगा, क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर ज्ञापन जरूर देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें गिरफ्तारी ही क्यों ना देनी पड़े। वही आप पार्टी के कार्यकर्ता कुलदीप एडवोकेट ने भी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा है कि यहां का प्रशासन आप कार्यकर्ताओं से बौखला गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके यहां पुलिस के कर्मचारी का फोन आया और जानकारी मांगने लगे कि क्या आप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उनसे मिलेंगे। कुलदीप एडवोकेट ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन आप पार्टी कार्यकर्ताओं से घबराया हुआ है और इस तरह से आप पार्टी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही शक की निगाह से देखा जा रहा है। आने वाली 24, 25, 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जनसंवाद के लिए जिला महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री राजा होता है, राजा का काम है प्रजा को समस्या में है, प्रजा की परेशानी दूर करना, तो इसलिए नारनौल में उनका स्वागत करते हैं। और जैसा कि पिछले जनसंवाद में देखा गया है कि आज आम आदमी पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेजेपी के लोग या मुख्यमंत्री इतने घबराए हैं कि किसी जनसंवाद में भी अगर कोई आदमी अपना क्वेश्चन पूछता है, कोई बात पूछता है, तो ये कहा जाता है कि इसको पिटो, ये आम आदमी पार्टी का आदमी है। तो हम अपनी जायज़ मांग रखेंगे, इलाके की जायज़ मांग मुख्यमंत्री को रखेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएंगे उनके प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ऐसा लगता है कि ये प्रशासन या पुलिस हमारे जैसे जो जायज़ मांग रखने वाले लोग हैं इनको नज़रबंद करने के उसमें हैं, गिरफ्तार करने के चक्कर में हैं, लेकिन हम अपनी मांग रखेंगे, चाहे प्रशासन हमारे को गिरफ्तार करे। जायज़ मांग रखना आम आदमी के अधिकार का बात है। सर, आज मैं नाइट में कहीं बाहर था, आज आया तो सुबह मुझे एक एएसआई नरेश कुमार की कॉल आई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ हो? मैंने कहा मेरे घर पे हूँ और मैं किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे घर के बाहर 3 पुलिस कर्मचारी आए, जिसमें नरेश कुमार, परविंदर, एक और सीआईए स्टाफ भाई था, वो आए और उन्होंने यहाँ आके, मैंने उनसे पूछा भाई किस विषय में मिलना चाह रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम सीएम साहब के दौरे हैं 24 तारीख से और जनसंवाद नामक कोई कार्यक्रम वो कर रहे हैं, क्या आप चीफ मिनिस्टर से मिलोगे? मैंने कहा कि हर जब जनसंवाद कर रहे हैं तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। बोले आप ऐसे नहीं मिल सकते और आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, पहले अफसरों से बात करो, उसके बाद में क्या सवाल पूछ सकते हो वो सब सवाल बताओ, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। आज क्या रूपरेखा रहेगी आपकी तरफ से या क्या रहेगा? मुख्यमंत्री तो सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जनसंवाद कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री हरियाणा ने जो चालू किया हुआ है, वो मुझे तो इनका एक प्रायोजित कार्यक्रम लगता है। आज मेरे पास एक दो और साथियों के कॉल आए जो जो सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज हित के काम करते हैं, उन्हें तो ये लोग मुख्यमंत्री के सामने जाने नहीं देना चाहते। ये तो मेरी, अब जो आपने कहा कि भी आज जो हम जैसे सामाजिक लोग हैं जो समाज के साथ में सारा दिन रहते हैं, हमें यहाँ की समस्याएं पता है, उन सबको उठाने के जो संवाद जो करना चाहिए वो संवाद तो ये कर ही नहीं रहे, और जो करना जो सवाल कर सकते हैं उन लोगों को वहां तक ये कार्यक्रम में जाने नहीं दिए जाएगा। ये तो केवल अपने लोगों को वहां
पहुंचाएंगे और प्रायोजित जो कहते हैं ना एक कहानी झूठी बना के अपने ही लोगों से ये सवाल पूछना है, ये जवाब देना है, ये बखान करने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो मेरा तो ये रहेगा कि भाई मैं आपके माध्यम से सभी जो इस जिले के निष्ठावान और मैं कहूंगा निष्पक्ष पत्रकार साथी हैं उनसे मेरी एक अपील है कि जो यहाँ इस जिले को इन्होंने कमजोर जिला समझ रखा है, जब इनको हमारे यहाँ किसान आंदोलन था हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाता था, तब इन्होंने आके यहाँ एक मन झूठे जो कायर जो हमारे यहाँ के नेता है जो सत्ता में बैठे हैं उनके सारे यहाँ कार्यक्रम करते हैं, और आज फिर जब इन्हें जन संवाद कार्यक्रम में नहीं घुसने दिया जा रहा, यहाँ पूरे हरियाणा में इनको कहीं नहीं घुसने दे रहे, तो आज ये यहाँ इस जिले को फिर मोरा बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने घोषणाएं की थी फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक उन पे अमल नहीं किया गया, और जो ये जनसंवाद कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसमें सभी लोगों को आने दिया जाए और जनता से सवाल जवाब का मौका दिया जाए जनता को, ना कि अपने कार्यकर्ता और अपने चाटुकारों को। तो मेरा तो ये है कि जो सामाजिक लोग हैं उनसे अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा हर गांव में जहां मौका मिले मुख्यमंत्री से पूछा जाए भाई ये घोषणाएं थी इन पे कब अमल करोगे, कब काम करोगे।